हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे प्रीमियर प्रो में हम स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं, वो भी एक बहुत सिंपल और इजी ट्रिक के साथ। तो ये मेरे चैनल की पहली ट्यूटोरियल वीडियो है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले प्रीमियर प्रो खोलना है और उस पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अपने प्रोजेक्ट की सारी सेटिंग कर देनी है। सेटिंग करने के बाद जब आपका सेटअप खुल जाए तो उसके बाद आपको एक फाइल इंपोर्ट करनी है, जो भी फाइल आपने चूज़ किया है स्लो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वीडियो आपने सेलेक्ट किया है वो 25 FPS से अबव होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपने एंड वीडियो पे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप पहले एक दोनों को वीडियो को चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई ग्लिच तो नहीं है वीडियो में। ये सब कुछ चेक करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको राइट क्लिक करना है वीडियो पे, उसे स्पीड एंड ड्यूरेशन का जो पार्ट है उस पर जाके क्लिक करना है और अपने अकॉर्डिंगली स्पीड को लो कर देना है और जो फ्लो है उसको ऑप्टिकल फ्लो रखना है। ठीक है, इसको करने के बाद आपको आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी बैरियर नहीं है, आपको जितना मर्जी करना है आप स्पीड लो कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर दीजिए। थोड़ा बहुत चेंज दिखाई दिया होगा, चेंज इस बात का कि फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे होंगे। फ्रेम्स ड्रॉप मतलब क्या है कि आपके फ्रेम्स कट कट करके आ रहे होंगे, जैसे कि एक फ्रेम दिखाई दिया फिर अगला फ्रेम ऐसे करके दिखाई दे रहे होंगे। इसको सही करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि जहां से वीडियो शुरू हो रही हो तो वहां पे आपको इन पे क्लिक करना है, इन मतलब आई पे क्लिक करना है, और जहां पे वीडियो एंड हो रही हो आप वहां पे ओ क्लिक करना है, मतलब आउट। तो ये इन एंड आउट का फीचर होता है। तो जब भी आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो इसके बाद सीक्वेंस का जो ऑप्शन है, सीक्वेंस ऑप्शन आपको ऊपर दिख जाएगा ऊपर मेन्यू बार में, तो वहाँ पे सीक्वेंस के बाद क्लिक करना है आपको रेंडर इन एंड आउट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये रेंडरिंग होगा, रेंडरिंग होने के बाद आपको ये अपना बेस्ट रिजल्ट दिखाएगा। रेंडरिंग आपके CPU पे डिपेंड करती है, आपका CPU कितना अच्छा है, कितना GPU आपका अच्छा है, उसके अकॉर्डिंगली ये रेंडर करेगा और आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। आपका एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि जो Adobe Premiere Pro है उसमें वो फाइल्स जो बनाता है उसमें क्या करता है, वो आपकी वीडियो के जो एजेस होते हैं ना, जहाँ पे आपको स्लो मोशन क्रिएट करना है वहाँ पे वो खुद ड्राइंग करता है या फिर खुद डिजाइन करता है वो पार्ट्स, जिससे कि लगता है कि वो फ्रेम ड्रॉप हुए ही नहीं, वो लगता है कि एकदम बंदा वॉक करके आ रहा है और एकदम ही स्लो मोशन चल रहा है। तो वो स्लो मोशन का इफेक्ट बेस्ट लगता है प्रीमियर प्रो में। आज के लिए तो दोस्तों काफ़ी है, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जल्दी।